ये तड़का देखना, वाह ये देखो भाई, इतना घी है कि निचोड़ना पड़ता है भाई साहब। दोनों विवेक और धारावाहिक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हरि, और भाई साहब आज हम है जी केसरदा ढाबा अमृतसर में, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम, ऑनेस्टली द फर्स्ट टाइम मैं यहां पे आ रहा हूं। आई एम बीइंग एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, मुझे कोई आइडिया नहीं यहां का स्वाद कैसा है, यहां का जायका कैसा है। नाम बहुत सुना है बट कभी यहाँ पे आया नहीं हूँ, एंड वीडियोस में भी आपने देखा होगा मैंने अमृतसर ऑलमोस्ट ट्राई किया कि कवर करूँ, बट केसरदा ढाबा इज द फर्स्ट, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मेरे साथ। आज भाई साहब इकट्ठे एक्सप्लोर करते हैं केसरदा ढाबा अमृतसर का। ये बम्बे वाला खूह है जी, ये बाजार है और इसके अंदर यहाँ पे है जी केसरदा ढाबा। आपको पूरी वाइब चेक कराता हूँ यहाँ पे, आ जाओ अंदर मेरे साथ। तो हमारे साथ है जी केसरदा ढाबा से रमेश जी। रमेश जी क्या हाल चाल है सर? सब बढ़िया जी, सब बढ़िया। थैंक यू सो मच आपने मुझे टाइम दिया। एंड भाजी मुझे बताओ पहले तो, लाइक आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट केसरदा ढाबा, दिस इज द फर्स्ट विजिट हियर, आई हैव हर्ड अ लॉट, मैंने बहुत कुछ सुना है, बट आप बताओ कि केसरदा ढाबा पहले तो शुरू कैसे हुआ और आप कौन सी जनरेशन हो? केसर का ढाबा स्टार्ट हुआ था 1916 में, इट्स बीन 106 years now। माय ग्रेट ग्रैंडफादर स्टार्टेड, जिनका नाम लाला केसरमल था, उन्हीं के नाम से ये स्टार्ट हुआ था। इट वॉज स्टार्टेड इन लाहौर, पाकिस्तान में एक जगह है शेखुपुरा, एक इट्स अ विलेज काइंड ऑफ थिंग, वहाँ स्टार्ट किया था उन्होंने दाल और पराठे के साथ। तो उस टाइम पे जो मेन क्रांतिकार लोग थे वहाँ मीटिंग्स करते थे उनके पास, ये इंदिरा गांधी, लाला लाजपत राय, दे यूज टू हैव अ मीटिंग ओवर देयर एंड यूज टू ईट पराठा एंड दाल ओवर देयर। या आफ्टर पार्टीशन फिर वो यहाँ शिफ्ट हुए, तो उसके बाद फ्रॉम दैट टाइम टिल नाउ इट्स द सेम प्लेस एंड आई एम द फोर्थ जनरेशन हु इज रनिंग इट नाउ। या तो मतलब जो क्रांति आई, जो रेवोल्यूशन आया, उसमें खाना जो खिलाने का काम है वो आपके परदादा जी ने किया। परदादा जी ने बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और कैन यू शो मी इस पिक्चर, कौन से वाले हैं लाला केसरमल जी? या ही इज द फाउंडर लाला केसरमल जी, जी उनके आगे बेटे। वाह जी वाह, ये है जी लाला शोरीमल जी। शोरीमल जी, देन माय फादर, राइट, and then me. What's your father's name? Vijay Kumar. Vijay Kumar, yeah. Zabardast. Sir, give me a tour. आप एक tour दो मुझे पूरे ढाबे का. I can see the vibe. It's like, मतलब ऐसा लगता है कि आप ना एकदम से enter कर गए in that era. तो आप एक बार please दिखाओ आपके ढाबा कैसा है. Please, please. Look at the vibe, यार. Look at the vibe of this place. कितनी जबरदस्त vibe है. वो देखो benches. जो नवाब साहब ने लखनऊ में बताया था ना कि benches, वही एकदम पुराना vintage era. So ये है जी मेन्यू यहाँ का, पॉज करके पढ़ लो। एंड ये है जी भाई, छत देखो, जमीन देखो एंड लोग देखो, लुक एट एवरीथिंग, इट्स ब्यूटीफुल हियर। वी विल जस्ट हेड इनसाइड द प्लेस एंड ये है जी किचन यहाँ की। ओह वाह 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 वाह, और द अरोमा इज मैजिकल यार। तो ये हमारा मेन किचन है, चपाती पराठा वगैरह बनते हैं। कम आई विल शो यू जी। सो ये है जी चपाती एंड पराठा जंक्शन एक तरह से, ये जैसे पराठे बनाते हैं। वाह 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 वाह, तो यही वो पराठे हैं जो उन्होंने शुरू किए थे, लच्छे पराठे हैं दाल। सेम थिंग। वाह वाह वाह, यहाँ उस्ताद जी बैठे हैं जी, पराठे बेल रहे हैं और लच्छे पराठे बना रहे हैं। और भाई साहब जो केसरमल जी ने शुरू किया था 106 साल पहले, वो पराठे आज भी उसी अंदाज में उसी तरीके से बिक रहे हैं और उसी तरीके से चल रहे हैं। शायद जो हमारे क्रांतिकारियों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने जो पराठे खाए होंगे, उसी तरीके से आज हम भी वही पराठे खा रहे हैं। ज़बरदस्त यार, ये कढ़ाइयाँ देखो, मक्खन देखो, घी देखो, वाह जी वाह, ये देखो भाई साहब ज़बरदस्त। यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको, घी मिलेगा और घी की शेप में बहुत सारा प्यार मिलेगा। ओह भाई ये निचोड़ा गया है जी, वाह ज़बरदस्त। ये है जी कढ़ाइयाँ, यहाँ पे दाल पकती है, इट्स अ डेग जिसमें दाल पकती है जी, और इस दाल को एटलीस्ट 12 से 13 घंटे लगते हैं। ये इन द मॉर्निंग राउंड अबाउट 3:30 बजे हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं, वेरी स्लो फ्लेम, तो ये सुबह 11:30 तक बन के रेडी होती है। इट्स लाइक निहारी यार। या एग्जैक्टली, ये देखो यार कितनी ज़बरदस्त, ये 12 घंटे पकती है दाल। एंड ऐसे कितने बर्तन हैं सर अपने पास? थ्री थ्री
एंड पूरा दिन जो दाल फिर बिकती है वो इसी में से बिकती है? इसी में से, क्योंकि दोनों चढ़ जाते हैं, दो देर लगी, एक उतर गई तो दूसरी लग जाती है, ऊपर चढ़ जाती है, तो जितनी देर तक वो खत्म होगी फिर तीसरी टर्न आती है। तरीका भी वही है ना, जो सेम एग्जैक्टली। जी जी जी, मतलब अगर उस टाइम के जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिस तरीके से वो खाते होंगे, हम भी वही चीज खा रहे हैं। ये देखो जी, सबसे पहले तो दालें आ गई, दाल आ गई कटोरियों के अंदर। और ये आ गया जी प्याज, ये घी के अंदर है? एग्जैक्ट, देसी घी है। देसी घी, यहाँ ऑल ओवर जितना भी खाना है सब देसी घी में बनता है। वाह जी वाह, तो ये देसी घी है जी और प्याज आ गया उसके अंदर है, तड़का है एकदम, मतलब बढ़िया एक्शन वाला तड़का हो रहा है जी, जबरदस्त। ये आ गया जी मसाला, ये है वो सीक्रेट मसाला जिसकी वजह से केसर ढाबा 106 साल जिंदाबाद है और आगे आने वाले 106 साल, 110 साल, 120 साल जिंदाबाद रहेगा। ये देखो, वाह जबरदस्त जबरदस्त। बाकी रनिंग में पालक पनीर इज देयर, मलाई कोफ्ता इज देयर, शाही पनीर इज देयर, कढ़ाई पनीर इज देयर, जो हमारा मेन ऑथेंटिक है दैट इज दाल एंड पालक पनीर। तो वो कहाँ बनती है? दाल आपको मैंने दिखा दिया, पालक पनीर तो हमारा रेडी हो जाता है, पालक पनीर। ओहो, ये देखो भाई साहब, ये है पालक पनीर, थोड़ा इसको चला के दिखाइए। यस सर। ओ भाई, आई स्वेयर मैंने इस रंग की पालक नहीं देखी है यार। वाह 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 वाह, जबरदस्त एकदम बढ़िया। एंड ये क्या है सर? दिस इज कढ़ाई पनीर। ये है जी कढ़ाई पनीर। वाह, बैंगन भरता। वाह मैन, ये है बैंगन भरता मटर वाला देसी घी वाला। दिस इज मलाई कोफ्ता। ये है जी मलाई कोफ्ता। आप कलर देखो, रोगन देखो और जो बर्तन है जिसमें पका हुआ वो देखो यार। दिस इज शाही पनीर। ये है जी शाही पनीर, जबरदस्त। वाह जी वाह, चने। ये है जी अंदर चना मसाला। ओहो, आज तो मेरे रिएक्शन सारे ओहो रहने वाले हैं, क्योंकि भाई साहब मेरे, मुझे पता ही नहीं मैं क्या बोलूं। ये क्या चीज है सर? राजमा। दिस इज राजमा। ये है जी राजमा। वाह, एंड इधर उस्ताद जी जो है वो बैक टू बैक पराठे बनाने में लगे हैं जी। बहुत ही बढ़िया वाइब है, बहुत ही बढ़िया सेटअप है। ये है जी स्पेशल थाली केसर दा ढाबा दी। और भाई साहब ये देखो, ये क्रश हो रहे हैं जी आपके लच्छे पराठे, जबरदस्त यार। थालियां देखो आप, वाह एकदम बढ़िया। वाह जी वाह। अच्छा, ये सारा सेक्शन ही थालियों का है जी जी। यहाँ पे थालियां बैक टू बैक लगती जाती हैं और भाई साहब आगे जाती रहती हैं। और ये दालें देखो इधर, ये तड़का लगी हुई दाल है। दिस इज अ फूडीज पैराडाइज। अगर आप एक फूडी हो तो मेरे हिसाब से इतनी ज्यादा बढ़िया वाइब आपको कहीं और नहीं मिलेगी। पीछे घी देखो, लिटरली ऐसे घी डाल रहे हैं जैसे पानी होता है। ये आ गया जी रायता और ये है जी इनकी स्पेशल यहाँ की थाली। और सर वो चूर चूर तो करके दिखाइए जरा, ये देखो भाई। ओहो भाई साहब बढ़िया। और इधर दोबारा से अब दालों के लिए प्रेपरेशन शुरू होने वाली है। ये तड़का देखना, वाह बढ़िया। और ये देखो जी इधर थालियां, और ये बैक टू बैक थालियां जो है ऑर्डर्स जा रहे हैं जी लगातार। बहुत जगह लच्छे पराठे खाते हैं, बहुत जगह देखते हैं, बट ये जो फिनिशिंग है ना लच्छे पराठे की, ये जो तरीका है ये उस्तादों वाला तरीका भाई साहब, 106 साल पुराना तरीका है लच्छे पराठे बनाने का। और इधर देखो पेड़े आ रहे हैं जी बैक टू बैक, पेड़े इधर से जाते हैं जी इधर उस्ताद जी के पास। उस्ताद जी क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया। उस्ताद जी जो है फिर तंदूर के अंदर ये लगाते हैं जी, और जब जैसे ही ये लच्छे पराठे बाहर आते हैं तो कुछ ऐसे लगते हैं, ये देखो। वाह,
इधर पूरी जगह जो है एकदम म्यूजिकल हो रखी है, ऐसा लग रहा है कि कोई म्यूजिक चल रहा होता है, कोई म्यूजिकल फेस्टिवल है। तालियों की आवाज, गड़गड़ाहट, मजेदार। ये देखो, वाह, केसरमल जी ने जो आज से 106 साल पहले शुरू किया था, वो गड़गड़ाहट, तालियों की आवाज आज भी कायम है। और ये है जी सब्जियों वाला एरिया, जहाँ पे सारी की सारी सब्जियां जो हैं वो बन के तैयार है, तड़के लगे हुए, ये सीधा जाती हैं जी कस्टमर्स के पास, उनकी थालियों में, उनकी प्लेट्स में। एंड भाई साहब, इतना रोगन मुझे नहीं लगता हमने कहीं पे देखा होगा भाई। ये पालक का कलर चेक करो यार, जबरदस्त है। भाई साहब, घी लगाने का तरीका देखो आप। ओ भाई, इतना घी के निचोड़ना पड़ता है यार। ये देखो भाई, इतना घी है कि निचोड़ना पड़ता है भाई साहब। ये देखो भाई साहब, यहाँ पे घी जो है उसको मेल्ट करने के लिए इसके ऊपर हीट किया जाता है ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। और ये देखो भाई साहब, ये है कढ़ी पकौड़ा। मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा यार कढ़ी कहाँ गई। ये देखो यार, कढ़ी जबरदस्त। वाह, आ गई जी हमारी थाली। और भाई साहब, ये है यहाँ का सर्व करने का तरीका, जबरदस्त एकदम। हमने मंगाया जी दाल, पालक, भरता, सैलड, और ये है जी लच्छा पराठा। आपको दाल दिखाता हूँ, दाल तो अंदर कहीं छिपी हुई है। ये देखो, ये है जी, ओ मैंने चम्मच उठाया भाई, चम्मच में पूरा घी घी हो गया। एंड ये देखो, ये आ गई जी दाल, ठीक है। और दूसरे चम्मच से आपको दिखाता हूँ जी, ये है भाई पालक का कलर, देखो जबरदस्त कलर है जी पालक का। और साथ में पनीर है, पालक पनीर तो भाई साहब इट्स अ पंजाबी फेवरेट डेलिकेसी, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। मैं चम्मच पकड़ रहा हूँ भाई, और ये देखो अभी मैंने रोटी को हाथ भी नहीं लगाया। वाह, ये है जी अपना बैंगन का भरता, कलर देखो बैंगन के भरते का कलर जो है ना, ज़बरदस्त है। और ये है जी वो कटोरियाँ, याद है जो वो रेडी कर रहे थे, ये वो है। ये है जी साथ में लच्छे पराठे, और लच्छे पराठे को सर्व करने को आपको दिखा दिया है, अब आपको ट्राई करके दिखाते हैं जी सारा कुछ। ये देखो ओ भाई साहब ज़बरदस्त। सो ये है जी लच्छा पराठा, थोड़ा पास आओ, आपको और दिखाता हूँ पास से। लेट्स टेक अ बाइट फर्स्ट ऑफ ऑल विद द भरता, क्योंकि इसके बाद सीधा पालक पनीर और दाल मखनी। आ जाओ, ये है जी भरता। अगर आपको दिख रहा है तो भाई साहब, इतना घी ना, इतने घी में मेरी बॉडी पूरी पेंट हो जाएगी, इतना घी है भाई साहब। हियर्स अ बाइट। ये सब्जियों की ना फैमिली ही अलग है यार, ये एक अलग जगह पे चली गई है सब्जियां। ये जो पराठा है लोडेड है, सिर्फ घी का सबसे ज़्यादा जो एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है उसके अंदर मसाले घुले हुए हैं। बैंगन का स्मोकी फ्लेवर आ रहा है बिकॉज ऑफ द तंदूर, बैंगन तंदूर के अंदर अच्छे से भुना हुआ है, फिर इसका बढ़िया तड़का लगा है। और घी, मतलब गल्ला छाड़ दो भाई जी, इतने आ जाओ गा पा दो। ये है जी पालक पनीर, हियर्स अ बाइट। ये पालक मुझे याद करा रही है कबाबों की, इसमें पंजाबी मसाले कम, ऐसा लग रहा है मुगलई मसाले डाले हुए हैं, ज़बरदस्त मसाले की प्रोफाइल है। ये बहुत स्पाइसी है यार, मसालेदार है, ये नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा चिली है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, लोडेड है एकदम। और मैं वेट नहीं कर सकता दाल की, तो मैं तो दाल खा रहा हूँ भाई, आ जाऊँ। ये आ गई जी दाल, ओए होए होए होए, दाल के अंदर ना डुबकी लगाते हैं, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। किस बाइट। ये दाल मखनी ना एक्चुअली हेरिटेज है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है यार, मतलब दिस बाइट इज लोडेड विद हिस्ट्री, इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़ेदार, नेक्स्ट लेवल की दाल है। मुझे पर्सनली पालक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, एंड भरता आप सबको बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज इट्स वेरी सिंपल, स्मोकी फ्लेवर है, घी का फ्लेवर है, बड़ा ही ज़बरदस्त है। और इतना घी डालते हैं ना तो लगता है कि घी का फ्लेवर ज़्यादा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है,
दाल का फ्लेवर एकदम अलग है, पालक का फ्लेवर एकदम अलग है और भरते का फ्लेवर एकदम अलग है। और भाई साहब जो चूर चूर नान है, इट्स द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आपने केसर दे ढाबे पे खाया है तो भाई साहब कमेंट करके बताओ आपका फेवरेट यहाँ पे क्या है। अगर नहीं खाया अभी तक तो भाई साहब कब आ रहे हो ये बताओ। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद रहें, साडी हरियत जौंदा आजाद बसदा रहे साडा पंजाब नाले साडा हिंदुस्तान। जय हिंद। और अगर आप देखना चाहते हो ऐसी एक देसी ढाबे की वीडियो जहाँ पे देसी घी से भर भर के भरता दाल पनीर सब कुछ मिलता है तो ये देखो।